ये भी सुंदर है, आगे लेक्चर आराम से बैठ के अब्सॉर्ब करो। ये व्यू कवर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये देखो तुम खुद बोलोगे कि यार यहाँ पे तो आना चाहिए। दारू पीने की जगह ये बनी थी 1882 में और ये बहुत हिस्टोरिक जगह है। दिस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। बहुत सुंदर है यार ये जगह। तो अभी हम लोग आ गए बेल्जियम वॉफल्स के शहर में, मतलब बेल्जियम मतलब ब्रसल्स कैपिटल। और यहाँ पे आने के बाद आपको अगर यहाँ के सीन्स नहीं दिखाए तो फिर यहाँ क्यों आए। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा बेल्जियम तो नहीं पर ब्रसल्स कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग बेल्जियम में ज़्यादा देर है नहीं, सिर्फ एक ही सिटी कवर करने वाले जो है ब्रसल्स। और काफ़ी सारी है, कैंट वगैरह भी है जहाँ पे कुछ कुछ होता रहता है, बट वहाँ नहीं जा रहे, तो अभी तो नहीं जा रहे, तो वी डोंट नो अबाउट दैट। हमें पता है ब्रसल्स के बारे में क्योंकि हम लोग आ गए ब्रसल्स और अच्छे से घूमेंगे। हमारे पास पूरा एक दिन है ब्रसल्स में। एक दिन में कैसे घूम सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करने को है, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, सिटी को किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी बकचोदी के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अब सबसे पहले तो बेल्जियम के जो की कंट्री है ऑब्वियसली, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, बेल्जियम विदाउट गवर्नमेंट भी रन कर सकता है, ठीक है। उसके पास अभी भी मतलब बेल्जियम कंट्री के पास एक किंग है और सिक्स गवर्नमेंट्स। अब सिक्स गवर्नमेंट का क्या मतलब, एक फेडरल गवर्नमेंट है और पांच रीजनल गवर्नमेंट है। अब बेल्जियम की आपको लगता होगा कि हम जो भी कंट्री लेते हैं उनकी कोई एक लैंग्वेज होती है, जैसे नदरलैंड की डच, इंग्लैंड की इंग्लिश, इंडिया की हिंदी, ऐसे। तो बेल्जियम की कोई बेल्जियन लैंग्वेज नहीं है। बेल्जियम में तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है जो है डच, फ्रेंच और जर्मन। कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये लैंग्वेज बोली जाती है और अलग अलग लोग हैं। दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे ऐसे, एक फ्लेमिश और एक वॉलोयन करके। ये आई थिंक वॉलोयन लोग जो है वो फ्रेंच साइड होते हैं, फ्लेमिश डच साइड होते हैं। बट यहाँ पे सारे स्कूल्स में सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है आफ्टर अ ग्रेड। और शहर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं कैथीड्रल चर्च जा रहे हैं वहाँ। और सारी चीज़ें ना सिटी सेंटर में ही है। एक और छोटी सी ट्रिक या टिप बोलूँगा मैं, जो अगर आप हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल बुक करना सेंटर की तरफ, सिटी सेंटर की तरफ, ठीक है। मिडी, जुइड या नोड की तरफ बुक मत करना, क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस इलाका है। मेरी जो लोकल फ्रेंड है यहाँ की, उसने बताया जो यहाँ रहती है कि यहाँ पे ये दो तीन जगह छोड़ के आप कहीं पे भी रह सकते हो। तो ये भी एक चीज़ ये कर लेना। और एक ऐप है इनका, MSITB करके कुछ, तो वो मैं लिंक में डाल दूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, जैसे बसेस वगैरह हो गई, जैसे बस जा रही है। लेकिन द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द सिटी इज़ टू ट्रैवल ऑन फुट। जितना वॉक करोगे, वॉक करने के बाद सिटी को इतना समझ पाओगे ना, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो सिर्फ डेस्टिनेशन ही दिखेंगी, सिटी समझ में नहीं आएगी। हमारा तो मकसद ये है कि सिटी समझना है, ठीक है। और बाइक से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, काफ़ी एक्सेसिबल है, थोड़ा एम्स्टरडम जैसा तो नहीं है, पर काफ़ी बाइक्स है, बाइक्स के लिए लेंस भी है और मतलब पार्किंग स्टेशन भी है, तो इजी हो जाता है बाइक चलाना यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटी सी सिटी है, कवर कर लो, एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करते हो, कितना टाइम रुकते हो खाने पीने में, कितना टाइम वेस्ट करते हो, ये सारी चीज़ों को देख के। अभी तो हम लोग सुबह निकले, तो हम लोग कोशिश तो यही करेंगे शाम तक, क्योंकि हमारे पास पूरा रात है, 12 बजे तक हम लोग क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं, नाइट लाइफ से लेके हर एक चीज़, विल सी अबाउट दैट। बट ये जो लेन है बहुत क्यूट है। वही है कि ब्रसल्स एक दूसरे यूरोपियन सिटी जैसे लगेगा, अगर आपको इसके पहले यूरोपियन सिटी गए हो तो। आर्ट के लिए काफ़ी फेमस है, फुटबॉल के लिए भी काफ़ी फेमस है, बियर के लिए फेमस है, बेल्जियम वॉफल्स के लिए फेमस है, चॉकलेट के लिए फेमस है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है बेल्जियम। बट हमने से सबसे एक चीज़ जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं आज, वो है बेल्जियम वॉफल्स यहाँ का, और फ्रेंच फ्राइज के लिए भी। ये लोग कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज इन्होंने इन्वेंट किया और सबसे बेस्ट फ्रेंच फ्राइज यहीं पे मिलती है, ये ऐसा ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी हम चर्च जाके चर्च के नज़ारे दिखाते हैं। नाइस वॉक, लेकिन यहाँ पे साइकिल चलाना मुश्किल है। क्यों यहाँ पे साइकिल चलाना, कौन सी विदाउट गियर कोई भी चलाना मुश्किल है, क्योंकि ये नेदरलैंड जैसा नहीं है, तो इसलिए साइकिल तो लोग चलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग डच बोलते हैं, वो लगता है डच है, पर ये नेदरलैंड वाली बात नहीं है इधर, क्योंकि
ये देख रहे हो चढ़ाई है पूरी। तो ऐसे जगहों पे आप साइकिल नहीं चला सकते, मतलब चला तो सकते हो पर रोज़ मन नहीं करेगा ना आपका। नीदरलैंड में ऐसा माहौल ही बन जाता है कि आप चला ही लेते हो, वो सीन है। पुराने बिल्डिंग्स, पुराने घर है काफ़ी, और ट्रैवलर्स भी काफ़ी दिखेंगे। ये देखो 50% ऑफ पे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे नगसियों में। ये जनेवा, डेविड ऑफ जनेवा, बहुत टूरिस्ट है इधर, बहुत ज़्यादा। ये पूरा शायद वो टूर गाइड लेके चल रहे हैं लोग, वो ट्रांसलेटर वगैरह सारा। ओह नाइस, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो अच्छी जगह है, वो जहाँ जा रहे हैं हम लोग वो है वो जगह। ये काफ़ी लोग टूर गाइड लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने लिया, पीछे एक ग्रुप था उन्होंने भी लिया। समझ में आता है आपको हिस्ट्री अगर जाननी है तो, नहीं तो। और ये भी ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक से ये भी आप ले सकते हो, ये वाले मैं कह रहा हूँ, बोल्ट वोल्ट के। इससे भी सिटी घूम सकते हो। तो जैसे टूर गाइड के साथ आप ये भी कर सकते हो, सेगवे से भी वो आपको लेके जाते हैं, शायद उसके हायर पैकेजेस होते हैं, पर आप ये भी कर सकते हो जो सेगवे से जैसे लोग जा रहे हैं ना, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर वो साइड सींग वाली बस चाहिए तो होप ऑन होप ऑफ वाली, वो देखो वो भी बस है अवेलेबल यहाँ पे, वो भी अगर आपको टूरिस्ट जैसा घूमना है प्रॉपर, तो वो साइड सीन होप ऑन होप ऑफ वाली बस ले लो, जिसमें आप कहीं पर भी चढ़ सकते हो, कहीं भी उतर सकते हो। दिन का कुछ उसका कॉस्ट होता है 20-30 या जो भी यूरो होंगे, 10-15 यूरो, तो ले लो अगर इफ़ यू वॉन्ट। या तो ट्रैम है, या तो वॉकिंग है, या तो साइकिल है, काफ़ी सारे ऑप्शन है सिटी को कवर करने के लिए। ये छोटा सा पार्क भी है यहाँ पे जो बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पे फाउंटेन भी लगा है, तो अगर इफ़ यू वांट यू कैन गो। या आंटी तो बोर हो गई है, पर हम अभी तक बोर नहीं हुए, लेकिन धूप काफ़ी है यार, काफ़ी धूप है और घंटा बजते रहता है यहाँ पे, शायद पता नहीं किस बात का। सिटी सेंटर अच्छा है काफ़ी, हम लोग जहाँ थे वो उतना कुछ खास नहीं था, हम लोग मीडी से उतरे, मीडी बस स्टेशन पर, फिर वहाँ से हम लोग हॉस्टल की तरफ आए जो थोड़ा सिटी सेंटर के पास ही था, बट इट वॉज नॉट दैट गुड। हमें थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आया, बट आई थिंक ये अच्छा एरिया। तो अभी हम लोग ये पैलेस के बाहर खड़े हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आगे का जो रास्ता है बड़ा सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो उसके लिए हम लोग ले रहे हैं ये। तीन कंपनीज है यहाँ पे, एक तो बोल्ट, लाइम और ये टियर, तो उसमें से जो भी हमें सही लगेगी वो ले लेंगे और इससे थोड़ा देर घूमेंगे, 20-25 मिनट, एक घंटा, देखते हैं क्या सीन है। सिटी तो अभी इससे ही घूमनी पड़ेगी क्योंकि धूप यार बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ गए प्लास दे लोराने, और यहाँ पे अगर आपको आना है, इससे पहले आप जाओ सीधा, पूरा पीछे जाओ आप, ये देखो यहाँ से आप सीधा जाओ पीछे एकदम, ठीक है, और पीछे, हाँ सीधा सीधा जाओ, और वहाँ से आपको जो व्यू आएगा ना, ये पूरा लाइन में जब आता है ये दिखेगा आपको, वहाँ से ये चीज़ वहाँ से आपको दिखेगा, तब मज़ा आएगा फ़ोटो लेने का। और फिर आप यहाँ पे बाइक भी चला सकते हो, पर थोड़ा रिस्की है क्योंकि कार इधर उधर से जाती है। ये प्लेस अभी हम लोग आ चुके हैं, ये भी हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, अभी अंदर अंदर जाके भी देखते हैं कि क्या सीन्स है वगैरह। ध्यान में रखना कि इसको अगर देखना है अच्छे से तो इसका फ़ोटो आएगा उधर से, बहुत दूर से, मतलब आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर आपको सीधा, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है ना, तो ये वहाँ से एक जो व्यू आता है ना, मज़ा आ जाता है इसका। तो ये बिल्कुल अपने बकेट लिस्ट में रखो, जब भी ब्रसल्स आओगे तो ये तो बिल्कुल कर लेना। अब उसके बाद कोई ऐसे छोटे छोटे बैठने के कैफ़े वगैरह होंगे यहाँ पे, तो वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। चलो अब ये जो जगह है, ये आ गए हम लोग सेंट माइकल एंड गुडाला, ऐसा कुछ तो नाम है यार, बड़े डिफ़िकल्ट नाम है। तो यहाँ पे आए ये कैथीड्रल में, और क्योंकि हम लोग को पीपी बॉय के पास जा रहे थे, लेकिन ये दिख गया तो हमने अपनी बाइक रोक दी, और यार रुक के सोचा क्योंकि यहाँ पे यार सुंदर है, देखो बैठने के इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी ये चेयर्स पे, आड़े टेढ़े चेयर्स पे बैठ सकते हो और मज़े कर सकते हो। और यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट चीज़ वो कुछ तो उन्होंने शायद बियर की शॉप है, और वहाँ पे वो जैसे बीच पे होता है ना चेयर्स, बीच चेयर्स वहाँ पे रखे, तो वहाँ पे भी चिल कर सकते हो। लेकिन ये भी सुंदर है आर्किटेक्चर, आराम से बैठ के अब्जॉर्ब करो, अंदर भी जा सकते हो, वो एंट्रेंस है वहाँ पे, हम भी अंदर जाते हैं अभी, दिखाते हैं क्या सीन्स अंदर जाने के और क्या टिकट है या क्या है जो भी, दिखाते हैं यहाँ पे। देखो साइट सींग वाली बस भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये बड़ी साइट है। तो अभी हम लोग ये जगह पे आ गए, इसका नाम है मॉन देस आर्ट्स, और यहाँ के सीन्स बहुत अलग है। अगर बेल्जियम में, ब्रसल्स में जब भी आओगे ना, तो ये
जगह और ये व्यू कवर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये देखो तुम खुद बोलोगे कि यार यहाँ पे तो आना चाहिए एक बार इस व्यू के लिए। इस व्यू के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और वाइब हमेशा यहाँ पे अच्छी रहेगी, नो डाउट। और आपको पीछे की वाइब्स, पीछे भी वाइब्स, पीछे से देखोगे तो ये नजारा दिखेगा और आगे देखोगे तो ये सीन। तो ऐसे सीन्स तुम्हारे रहेंगे शॉर्ट। बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए, मस्ट विजिट जगह है। और यहाँ पे छोटा सा फाउंटेन जैसा कुछ है बीच में, तो वहाँ पे भी आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। हम लोग तो यहाँ पे हैं, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वॉल्फ। वॉल्फ क्यों जा रहे हैं? खाना खाने के लिए। खाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जितना घूमना है। तो अभी खाना भी खाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और ट्रैवल करेंगे और फिर रात को निकलना है। देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये भाई तो सेट है अपना, अलग ही म्यूज़िक लगा के। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमें ब्रसल्स अभी पसंद आ गया थोड़ा घूमने के बाद, सिटी सेंटर घूमने के बाद ब्रसल्स। क्योंकि देखो यार, जहाँ पे भी तुम नज़र घूमो, अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर होपफुली जब भी आप आओगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये सब सेट हो जाएगा, पर तब भी कंस्ट्रक्शन के बिना तो एक नंबर है, बहुत सेक्सी है। आओ देखो घूमो, अगर एक दिन है तो 6-7 जो हम डाल लेंगे वीडियो के अंदर, वो देख लो बस, हो गया तुम्हारा जिंदगी सफल है तुम्हारी। ब्रसल्स में तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, ब्रसल्स के पैसे वसूल हो जाएंगे। और क्या नहीं, पर ब्रसल्स आना चाहिए, आना चाहिए, अच्छी चीज है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ब्रसल्स आना चाहिए कि नहीं ये बताएंगे, तो ब्रसल्स मुझे तो लगता है अभी आना चाहिए, वन डे ट्रिप के लिए वर्थ इट है। उससे ज्यादा भी अगर आपको रुकना, दो दिन रुकना, रुक सकते हो सिटी सेंटर में, थोड़ा वाइब करो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैक्स 2 डेज यार, मैक्स 2 डेज। अगर आसपास जाना है, गेंट वेंट जाना है, तो डिपेंड्स ऑन यू पूरा। ट्रिप वगैरह भी जाना हो अपने सोच, हाँ ट्रिप, पर इतना कुछ नहीं है ट्रिप में भी, पर जाना है तो जा सकते हो, एक एक दिन सारे सिटीज को दे दो। ब्रसल्स इज नॉट मोर देन वन डे अगर आप, और हाँ जैसे हमने बोला था कि आप ट्रैवल किससे करते हो बहुत मैटर करता है। जैसे हमने आज तो इलेक्ट्रिक बाइक से ट्रैवल किया, वी प्रेफर वो करो, उससे हमारा जो टाइम है ना वो इतना प्रोडक्टिव हो गया कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी काफ़ी चीप में भी हुआ है। कितना, 7 यूरो में हमें वो बाइक मिल गई जो कि हमने 80 मिनट की डे पास कराई है, तो हम पूरे 24 आवर्स में उसको 80 मिनट्स कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जब वो रनिंग टाइम रहेगा वो 80 मिनट के अंदर होना चाहिए बेसिकली। तो हमें 7 यूरो की मिली है, तो विच इज़ फेयर इनफ। तो वो सीन है, आप बाइक ले सकते हो, हमने तो वही प्रेफर करेंगे आपको कि मतलब हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि बाइक लो और बाइक से ज़्यादा घूमो, और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जल्दी जल्दी चीज़ हो जाएगी और पैर तुम्हारे कम दुखेंगे, तो तुम जहाँ पे पहुँचोगे वहाँ जाके ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। ये सारा मोटिव है इलेक्ट्रिक बाइक लेने का। उसके बाद अभी भी हम लोग 2-4 जगह जा रहे हैं, फूड कोर्ट जा रहे हैं, फूड कोर्ट भी दिखाते हैं। वॉल्फ वाला फूड कोर्ट मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, अगर वो अच्छा है तो बताएंगे कि अच्छा है, बुरा है तो बोलेंगे कि मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाके खा लो। बट वहाँ के सीन्स दिखाने वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फूड कोर्ट है वहाँ पे अलग अलग क्यूजीन मिल जाएंगे आपको, और बेल्जियम वॉफल्स भी खाना है एट द एंड ऑफ द डे। कहाँ से खाएंगे, कितना प्राइस रहेगा, सब कुछ बताएंगे, तो देखते रहो वीडियो। तो दी ब्रोकर सर के कुछ ऐसे सीन्स हैं, ये भी सेम वो जैसे शॉपिंग स्ट्रीट थी वैसे ही, ये थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ तो चल रहा है, और लोग यहाँ पे खाना पीना ही चलते रहता है। देखो कंस्ट्रक्शन का बहुत सीन है यहाँ पे, तो इधर भी थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। इधर एक कॉफी स्टार वगैरह है, देख मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। BFC क्या है? अच्छा ब्रसल्स फ्राइड चिकन। ब्रसल्स आया और ब्रसल्स फ्राइड चिकन नहीं खाया, तो फिर क्यों आया ब्रसल्स, ये बताओ पहले। तो बेल्जियम बर्गर रेस्टोरेंट कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। एक तो 3-3 लैंग्वेज बना दी अलग से, बना क्या दी, 3-3 लैंग्वेज में खेल रहे। बट एनीवेज यार, सीट लगा है, आंसपार्क शॉपिंग एरिया, ओके ओके, एनी देन चिल रही है, खूब लाम है क्या सर? I mean the street is really long, yes. But for us we have to take a right. Ah, okay. ये नहीं देखा अपन ने, ये पार्टी नहीं देखा। नहीं नहीं। हाँ इधर आने वाले थे। ये भी मस्त जगह है यार खाने के लिए। ये street अच्छी है सर। पुड़े दो अलग अलग है, उन्हीं का ही है। ओके व्हाई
बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे घूमने के लिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आओ और घूमते रहोगे ना तो मतलब सिर्फ घूमते रहोगे, शॉपिंग वॉपिंग करनी है, बैठ के खाना खाना है, तो ऐसे तो दो दिन भी निकल जाएंगे, तीन दिन भी निकल जाएंगे, बट वो ये डिपेंड करता है आप पे कि सिर्फ आप घूमना चाहते हो या बैठ के खाना भी चाहते हो। तो अभी जैसे हम लोग तो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ करके छोड़ रहे हैं कि सिर्फ घूम रहे हैं या सिर्फ खा रहे हैं, हम घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बीच में रुक भी रहे हैं। सेंट कैथरीन आ गए हम लोग यहाँ पे, और ये सिटी सेंटर के पास में ही है ना, सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो बियर गार्डन्स वगैरह, यहाँ पे आराम से बैठ के सुट्टा उट्टा मार सकते हो, दारू वारू पी सकते हो, और ये मतलब अगर यहाँ पे आते हो तो ये इतना कुछ ऐसा नहीं है, बस वही है कि तुम यहाँ पे खाने के लिए रुक सकते हो, ऐसी जगह ये, अदर देन दैट यहाँ पे ऐसे कुछ आने की ज़रूरत नहीं। ये अभी भी पता नहीं, और ये जो क्रेन वगैरह दिखेगा ना आपको, ये ऐसी चीज़ें जो दिखेगी, ये पूरा ब्रसल्स में ऐसी दिखेगा आपको, क्योंकि जितना मुझे पता चला ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है ऐसे पूरा साल, तो ये क्रेन्स और ये छोटे छोटे ये सारी चीज़ें, दिस इज सो नॉर्मल यहाँ पे। वही है, अच्छा वो सेंट कैथरीन के पीछे जब आता यही है वो चर्च है, इसके पीछे जब अगर आप आओगे तो आपको ये बहुत सुंदर व्यू मिलेगा, दिस इज़ वॉट यू विल गेट, फाउंटेन जैसा, और अगेन सेम चीज़ यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, पी सकते हो, सुट्टा मार सकते हो, बहुत चिल जगह है। और दिस गोस टूवर्ड्स पूरा उधर फार एंड पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे तक बैठ सकते हो आप, विच इज़ चिल, अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे घूमने का। और अभी तो देखो मौसम भी अच्छा है, और यहाँ से भी आगे तो ये जो मार्केट है, और इस मार्केट में ये जो पब है दारू पीने की जगह, ये बनी थी 1882 में, और ये बहुत हिस्टोरिक जगह है। दारू वारू तो छोड़ो, पर ऐसे भी अगर आपको आना है, अगर पियो ना पियो तो ये वैसे देखने के लिए काफ़ी, क्योंकि ये ओल्ड चर्च जैसा कुछ हुआ करता था, एंड दे मेड इट इनटू पब, एंड नाउ इट लुक्स लाइक दिस, जिसमें काफ़ी सारे खाने के भी ऑप्शन है, आर्ट भी है, और वो हिस्ट्री भी है उन्होंने, मतलब काइंड ऑफ छोटा सा म्यूजियम जैसा, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे बना, क्या था पहले और अभी क्या है, एंड किस किस ने क्या क्या किया, तो वो आप देख सकते हो। दैट्स नॉट माय जॉब, ये आपका काम है, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। और फिर वही म्यूजियम, तो ये जो जगह दिख रही है मेरे पीछे, ये है बुर्स, और ये भी अगेन वो एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, और ये हम लोग जो घूम रहे हैं ना अभी, ये पूरा सिटी सेंटर के आसपास ही है, सिटी सेंटर का ये कोना वो कोना, खाने पीने की और बैठने की, और थोड़ा अभी क्योंकि आज तो सैटरडे है तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें भी चलती रहेगी सिटी सेंटर में, बट डिपेंड ऑन आपके ऊपर आपके पास कितना टाइम है क्या है। अभी हम लोग इसके बाद ये कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मतलब ये जो वो जो दिख रहा है ना वहाँ पे हम लोग जाएंगे, बट ये भी काफ़ी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। शाम को आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि शाम को ही लोग, क्योंकि हम लोग दिन में निकले थे, दिन में तो इतने लोग नहीं दिखेंगे आपको, जैसे जैसे शाम होगी ना वैसे वैसे ये एरिया भरा हुआ दिखेगा, जैसे ये भी एरिया है पूरा ना, तो इसमें भी देखो जैसे खाने पीने के लिए बाहर बैठे हुए, तो ये आप कर सकते हो थोड़ा स्ट्रॉलिंग, जो भी आपको पब क्रॉलिंग करनी है या खाने का कुछ सीन शॉट करना है, वो सारी चीज़ें आप ये अब कर सकते हो। ये देखो सीन्स कुछ ऐसे है कि ये इस जगह का नाम तो बता दो, ग्रोप्लास, ग्रैंड प्लेस या ग्रोप्लास इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे आज बहुत अलग सीन्स है, यहाँ पे पूरी जनता पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगे, थोड़ा सा मेला है छोटा सा, तो बेल्जियम का जहाँ पे खाना पीना और जो सारी चीज़ें ये लोग बाकी जगह भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे बस मिल के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीन्स ऑन है पूरे। ये जगह बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे तो आना बिल्कुल मत भूलना जब भी आओगे तब, ब्रसल्स, दिस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट, बहुत सुंदर है यार ये जगह। हाँ बेल्जियम बियर वीकेंड, तो यहाँ पे तुमको सब तरीके की दारू मिलेगी, सारी तरीके की बियर मिलेगी, वो भी टैप पे, क्रेजी।